Well, my dear students, the course is Labour Policy Pakistan. And the topic is appeal. Or your relevant section here that is section seventeen of the Payment, Payment of Wages Act. Section 17, Heading Appeal. Appeal hoti? Basically, appeal एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कि हायर स्टेचर के ऊपर बैठी हुई जो एडजुडिकेटिंग पावर्स हैं जिन्हें कोर्ट कहा जाता है उनके पास की जाती है कि देखें ये जो आपसे जो लोअर लेवल के ऊपर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या कोर्ट है उसने ये फैसला किया है और हमें उस पर ये ऑब्जेक्शंस हैं तो फिर अपील होती है अपील डायरेक्ट किसी भी इशू पर नहीं हो सकती पहले उसकी एक ट्रायल स्टेज होती है और उस ट्रायल स्टेज के बाद अपील की स्टेज आती तो माइडियर स्टूडेंट्स ये जो अपील है ये कौन कर सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तनाजर में देखें एन अपील अगेंस्ट अ डायरेक्शन मेड अंडर सबसेक्शन थ्री और सबसेक्शन फोर ऑफ सेक्शन फिफ्टीन मे बी प्रेफर्ड विद इन थर्टी डेज ऑफ द डेट ऑन विच द डायरेक्शन वॉज मेड बिफोर द लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी नाइन तो माई डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो यह बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि यो के जो अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है अगर किसी वर्कमैन ने वहाँ पर कोई एप्लीकेशन फाइल की है कोई केस uh, फाइल किया है कि ये उसका ग्रीवेंस है तो अगर वहाँ से जो फैसला है उसके ऊपर अगर किसी पार्टी को इतराज है एम्प्लॉयर को इतराज है या वर्कमैन को है तो फिर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट अपील जो है वो फाइल हो सकती है और किसके पास हो सकती है वो लेबर कोर्ट के पास हो सकती है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 1969 के तहत कायम किया गया है दोबारा देखें कि सेक्शन 15 का जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ जो है ये अपील हो रही है लेबर कोर्ट के पास हो रही है और कितने दिनों के अंदर अपील हो सकती है उस डायरेक्शन के जो कि अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके डायरेक्शन के कितने दिनों के अंदर अंदर थर्टी डेज जब मुकम्मल हो जाए और उन दिनों के अंदर अंदर यह अपील फाइल हो सकती है अगर थर्टी डेज से ऊपर चली जाएगी बात तो फिर अपील फाइल नहीं हो सकती और लॉ ऑफ लिमिटेशन वहां पर अप्लाई हो जाता है अपील बाय द एम्प्लॉयर भी हो सकती है एम्प्लॉयर भी तो अग्रीव हो सकता है कि ये आपने जो इस पे डायरेक्शन दी है वो ठीक नहीं है तो लेबर कोर्ट के पास जो अपील है वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन थ्री जो है वो भी कर सकता है इफ द टोटल सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाई अ वे ऑफ वेजेज एंड कॉम्पनसेशन एक्सीड थ्री हंड्रेड रुपीज प्रोवाइडेड ये प्रोविजो आ गया ऊपर ये बात की गई है कि एम्प्लॉयर भी अपील कर सकता है जो अथॉरिटी है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उसकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट लेकिन जो फैसला वर्कमैन के हक में हुआ है जितनी पेमेंट करने का फैसला वर्कमैन के हक में हुआ है वो पहले एम्प्लॉयर को जमा करवाना पड़ेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत जो अथॉरिटी है उसके पास तो ये देखें ये प्रोविजो है ये कंडीशन लगा रहा है किसके ऊपर लगा रहा है जब इंप्लॉयर जो है वो लेबर कोर्ट के पास अपील को प्रेफर करता है या फाइल करता है आइए इस प्रोविजो को पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट नो अपील अंडर दिस क्लॉज शेल लाई अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज अ कंपनीड बाय अ सर्टिफिकेट ऑफ द अथॉरिटी ये अथॉरिटी कौन सी है ये अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है टू द इफेक्ट दैट द दांट हैज डिपॉजिटेड विद द अथॉरिटी द अमाउंट पेबल अंडर द डायरेक्शन अपील्ड अगेंस्ट तो मैंने जो आपको पहले बात बताई है कि अगर एम्प्लॉयर एग्रीव्ड अपने आप को समझ रहा है और समझ रहा है कि फैसला डायरेक्शन अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ने सही नहीं की है तो पहले उसको वो रकम जमा करवानी पड़ेगी जो कि वर्कमैन के, के फेवर में डिक्लेयर्ड हुई है फिर वो अपील कर सकता है और उसकी अपील फिर वैलिड कंसीडर की जाएगी इसके अलावा कौन शख्स अपील कर सकता है लेबर कोर्ट के सामने वो है बाय एन एम्प्लॉयड पर्सन एक जो शख्स है जो वर्कमैन है वो अगर समझता है कि फैसला डायरेक्शन ठीक नहीं है थॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की तो वो भी अपील कर सकता है और इफ हीज डाइड बाय एनी ऑफ हिज लीगल इस भी उसके कर सकते हैं अपील अगर वो शख्स फॉत हो चुका है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ वेजिस क्लेम टू हैव बिन विदहेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन और फ्रॉम द अनपेड ग्रुप टू विच ही बिलोंग्ड एक्सीड फिफ्टी रुपीज Or by any person directed to pay a penalty under subsection 4 of section 15, my dear students. Now, all appeals pending before any district court under this section immediately before the commencement of the Labour Laws Amendment Act 1975 shall on such commencement stand. Transferred to and be disposed of by the Labour Court within whose jurisdiction the cause of action to which the appeal relates arose. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.